वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख में आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। चारों आरोपियों से देर रात तक पूछताछ हुई। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पूछताछ चलती रही। आज चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि कल जिस तरह का वाकया हुआ, इस वाकये ने एक बार सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जिस सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, क्या वो सुरक्षा वाकई में वहां पर नजर आई या फिर कोई और नियत इनकी रही। हालांकि जब सुरक्षा पर चूक हुई और उस पर खुलासे हुए तो यूएपीए के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब संसद में अफरा तफरी मची उस समय अचानक से ये लोग कूद कर आए दर्शक दीर्घा से और काफी कुछ जानकारी इसमें सामने आई। ये सभी आरोपी सोशल मीडिया एक कोई पेज है उस पेज से जुड़े हुए थे और जानकारी ये है कि इनमें से दो ने मार्च और जुलाई में भी संसद भवन परिसर में रैकी की थी। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने इस तरह से कल जो घटनाक्रम है वो नजर आया। 22 साल पहले कल ही के दिन 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद को आतंकियों ने निशाना बनाया था। लेकिन 22वीं बरसी पर अचानक से जब यह हुआ तो संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए और आरोपी ललित ने इस हंगामे का वीडियो बनाया। हंगामा बढ़ने पर ललित सभी मोबाइल लेकर फरार हुआ। सोशल मीडिया के जरिए सभी आरोपी जुड़े हुए थे। आरोपियों ने पहले भी मैसूर में मुलाकात की और करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले सभी आरोपी। जुलाई में लखनऊ से दिल्ली आरोपी सागर आया। आरोपी सागर पहले संसद भवन नहीं जा सका था। 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे। गुरुग्राम में विक्की नाम के शख्स के घर रुके और आरोपी संसद के बाहर रैकी करने भी पहुंचे। आरोपी अमोल महाराष्ट्र से पटाखे लाया। इंडिया गेट पर मुलाकात में कलर वाले पटाखे बांटे जिसे इन्होंने संसद में अचानक से सभी के सामने चलाया। कल जब देश अपने लोकतंत्र के मंदिर पर इस कायराना आतंकी हमले की 22वीं बरसी मना रहा था, शहीदों को याद कर रहा था, तब नवनिर्मित संसद भवन में सुरक्षा की चूक से जुड़ा हुआ बड़ा मामला सामने आया। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। एक आरोपी अभी भी फरार है, उसको भी ढूंढ रही है पुलिस। लेकिन स्पेशल सेल ने आईपीसी की धाराओं 452 जिसे ट्रेसपासिंग कहा जाता है और 120B आपराधिक षड्यंत्र के यूएपीए से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है, क्योंकि जो नियत है वो साफ तौर पर स्पष्ट कल हुई जब इनसे बातचीत की। एक सोशल मीडिया पेज के जरिए सभी जुड़े हुए थे और पहले भी ये संसद की रैकी करने पहुंचे थे। अब क्या नियत रही है उसका पूरा खुलासा पुलिस करेगी। लेकिन लोकसभा कक्ष की दर्शक दीर्घा में बैठे दो युवक मेन एरिया में कूद गए जहां पर सांसद बैठे थे। 08 चल रहा था, क्वेश्चंस किए जा रहे थे। उन्होंने अपने जूते से कलर स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू कर दिया और नारे लगाए। सांसदों ने जल्द ही दोनों युवकों को काबू में कर लिया, उनके साथ में उनकी धुनाई जम करके और उसके बाद में उन्हें सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया। इन दोनों युवकों की पहचान जिन्होंने दर्शक दीर्घा में कूद कर इस घटना को अंजाम दिया, सागर और मनोरंजन और इनके साथ में और भी लोग जिसमें एक औरत भी शामिल, नीलम नाम उसका। जब लोकसभा के अंदर ये घटना हो रही थी उसी वक्त संसद भवन के बाहर एक पुरुष और महिला कनस्तरों से रंगीन गैस का छिड़काव कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। उन्हीं के साथ ही जिस महिला नीलम का जिक्र मैं कर रही हूं और उसके बाद उन्हें भी हिरासत में लिया गया। इन दोनों की पहचान अमोल शिंदे और नीलम के रूप में हुई। इन्होंने भी ये देखी तस्वीर, जो तस्वीरों में नजर आ रही है ये औरत और विक्की शर्मा साथ ही उसकी पत्नी वृंदा को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी विक्की के घर पर रुके थे, क्योंकि एक जगह के नहीं अलग अलग जगह के थे। मैसूर में भी इनकी मुलाकात हुई मोबाइल फोन लेकर। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि संसद की सुरक्षा में जब चूक हुई है तो इस मामले पर विपक्षी गठबंधन की आज बैठक है। सुबह 10 बजे संसद में बैठक आयोजित होगी, विपक्षी दलों की बैठक, क्योंकि कल वहां पर मौजूद थे सांसद जिस समय ये वाकया हुआ। राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे, वो तस्वीरें भी काफी सोशल मीडिया पर छाई रही। जब ये वाकया हुआ अचानक से सांसदों के बीच में ये लोग कूद गए और उसके बाद में नारेबाजी करने लगे, लेकिन राहुल गांधी वहां पर थे और उसके बाद जब तक इन्हें पकड़ा गया उसके बाद में
इन्हें वहां से पुलिस लेकर गई और उसके बाद इनसे पूछताछ शुरू की, जिसके बाद और भी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई। जानकारी यह है कि इससे पहले भी इन लोगों ने, आरोपियों ने संसद की रेकी की थी। सुरक्षा चूक वाकई में एक बड़ी अपने आप में रही, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा व्यवस्थाएं अगर कहीं पर एक्सपेक्ट की जा सकती है तो वो संसद में ही की जा सकती है सबसे ज्यादा, क्योंकि कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, कई टायर्स की सिक्योरिटी होती है, उसमें एक चेकिंग नहीं बल्कि कई जगह पर चेकिंग होती है। और जिस तरह से आपका पास बना होता है वो भी ऑथेंटिफिकेशन के आधार पर आपको दिया जाता है, लेकिन किस तरह से इन लोगों ने वहां पर एंट्री ली, इससे पहले भी 10 तारीख को संसद पहुंची, किस बिना पर ये संसद पहुंचते थे, रैकी क्यों करते थे, किसके द्वारा क्या मंतव्य था, सबसे बड़ी मंशा इनकी इस घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे क्या रही, जिसके लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे और जो नियत है वो यकीनन साफ तो नहीं थी, क्योंकि जब ये घटना हुई, ये दोनों तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहे हैं, एक लड़का और एक महिला, ये दोनों बाहर भी, संसद भवन के बाहर भी उन्हीं रंगीन पटाखों को चलाते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। लोकसभा में दर्शक दीर्घा में एक युवक कूद पड़ा और उसके बाद उसके सांसदों ने पिटाई की, पुलिस को सौंप दिया, जानकारी जुटाई, लेकिन कल संसद के हमले की 22वीं बरसी थी। देश शहीद सुरक्षा कर्मियों को नमन कर रहा था और इसी बीच जब ये घटना हुई तो एक तरीके का अलर्ट सभी के लिए इसे मानकर जा सकता है चला, क्योंकि जब इस तरह की घटना की सुरक्षा से जुड़ी हुई चूक अगर हो सकती है 22 सालों के बाद भी, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को और ज्यादा पुख्ता करने की जो गुंजाइश है वो रह जाती है। इस मामले पर विपक्षी गठबंधन की बैठक है आज। विपक्षी गठबंधन 10 बजे संसद भवन में इस पर बैठक करने वाला है। सुरक्षा से संबंधित मामला है, यकीनन बढ़ेगा, प्रतिक्रियाएं भी कल काफी सारी आई सुरक्षाओं को लेकर के और क्या किया जा सकता है, क्योंकि बढ़ोतरी तो की जाने की बात दूसरी चीज है, लेकिन संसद भवन में ऑलरेडी वहां पर इतनी सिक्योरिटी है, जस्टिफिकेशन ये नहीं दिया जा सकता कि और ज्यादा सुरक्षा लगाएंगे। सुरक्षा तो ऑलरेडी वहां पर सबसे ज्यादा सर्वोच्च सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन जब 2001 में वो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में हर एक पैरामीटर पर सुरक्षा के दायरे को और ज्यादा बढ़ाया गया, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी यहाँ पर चंद कुछ लोग पहुंचेंगे मानसिक विकृति से जुड़े हुए, जिन्होंने बाकायदा बैठकें की है इस घटना को अंजाम देने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करवाने के लिए, नारेबाजी करने के लिए। और जिस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ये नाम ले रहे हैं शहीद भगत सिंह का, लेकिन शायद उनकी हिस्ट्री, उनके इतिहास को ये पढ़कर नहीं आए, उस समय की परिस्थितियों को समझकर नहीं आए। सिर्फ ये देखिए तस्वीरें, दर्शक दीर्घा काफी ऊंचाई पर, लेकिन अगर वहां से कोई कूदता है और उसके बाद ये तस्वीरों में एक एक बेंच को क्रॉस करता हुआ, जंप करता हुआ आगे बढ़ता है, पहुंचता है, तो यकीनन हर एक चीज कहीं ना कहीं एग्जामिन पहले की होगी। इतना सदा हुआ जंप और उसके बाद में आगे बढ़ता जाना, चंद सेकंड में आगे तक पहुंच गया है, देखिए। उसके बाद सांसदों ने पकड़ा उसे, पीटा, कल आपने वीडियो भी देखा होगा जिस तरह से सांसद उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सांसदों ने उसकी पिटाई की, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। जानकारियां कई सामने आ रही है इस मामले में, अब तक जो जांच हुई इससे ये जानकारी सामने आई कि सोशल मीडिया पर किसी फैन क्लब के साथ वो जुड़े हुए थे, फैन क्लब के साथ जुड़ाव उनका, और उसके बाद मार्च और जुलाई में संसद भवन में उन्होंने परिसर में अंदर रैकी की थी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धाराओं 452 ट्रेसपासिंग और 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के अलावा यूएपीए से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के अलावा यूएपीए से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। लोकसभा कक्ष की दर्शक दीर्घा में बैठे ये दो युवक, दो लोग बाहर, दो लोग सदन के अंदर मेन एरिया में अचानक से कूद गए जहां पर सांसद बैठे हुए थे। अपने जूते में छिपाया हुआ कलर स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। हालांकि सांसदों ने वहां पर जल्द ही काबू में ले लिया उन्हें और उसके बाद मारपीट उनके साथ की, क्योंकि वो यकीनन सी बात है डर गए थे। एक बारगी के लिए जो रिएक्शन था उन लोगों के साथ मारपीट का आया और फिर मारपीट के बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया। दोनों युवकों की पहचान
तुरंत की गई। सब राजनीति ऊपर उठ के हमें खड़ा होना पड़ेगा और खड़े होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सब लोगों ने जितनी जितनी कोशिश थी सबने की। तो देखिए प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, कल दिन भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नेशनल मीडिया का भी ये सुर्खियों का हिस्सा बना, क्योंकि संसद की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। मामला छोटा नहीं, बड़ा मामला है। मामले पर विपक्षी गठबंधन की आज बैठक है। किस तरह से इस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा? सुबह 10 बजे संसद में बैठक आयोजित होगी। INDIA की ओर से, विपक्षी गठबंधन की ओर से बैठक, संसद में सुरक्षा व्यवस्थाओं में कोलैप्स का मामला। देखिए कई मामले पहले अगर पढ़े हों, देखे हों और जिस फैन क्लब के साथ में जुड़े हुए थे, अगर उससे जुड़ी हुई हिस्ट्री को ठीक से तथ्य के आधार पर समझते तो संभवतः इस तरह की घटनाओं को कभी अंजाम न देते। लेकिन चंद पन्नों में पढ़ी हुई चीजों को ठीक वैसे ही दोहराने के लिए, हालांकि कितनी परिस्थितियां तब से लेकर अब तक बदल गई है ये सोचा नहीं, उसके बाद भी इन्होंने इस घटना को अंजाम देकर अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश की और बाकायदा षड्यंत्र के तहत इसके लिए बैठकें की। अलग अलग जगहों से आते हैं, दिल्ली के रहने वाले नहीं है सभी, और ऐसे में अलग अलग जगहों से पहुंचे, गुरुग्राम में मुलाकात की, एक व्यक्ति के घर पर रुके, उसकी पत्नी के साथ में बैठ करके सभी ने एक साथ मिलकर इस चीज पर मंत्रणा की, डिस्कशन किया कि कैसे क्या किया जा सकता है। उसके बाद संसद में लोगों के सामने पहुंचकर नारेबाजी करना, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगा रहे थे, जानकारी सामने आई। हालांकि तुरंत हिरासत में लिया गया, उसके बाद पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी मांग सुनी नहीं जा रही थी, सरकार को सुनना चाहिए था, लेकिन मांग बताने का, मांग पहुंचाने का सरकार तक ये किसी भी सूरत में सही तरीका हो ही नहीं सकता। संसद की सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा में चूक हुई है, लिहाजा आज विपक्षी गठबंधन की बैठक भी इस मामले को लेकर। बैठे थे सम्मान्य रेलवे मंत्री जी, बात करते थे, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते थे, तब पीछे से साउंड आया, हमारा सांसद लोग जोर से चिल्लाने लगा, तब देखे तो दो लड़का लोग ऊपर गैलरी से जंप मारते थे, तब हम सब लोग उधर भागे। पीछे वाले का हमारा नलिन कुमार कटिल सांसद, उनका साथ में एक 5-6 सांसद लोग उनको पकड़ ले, उसके अंदर वो उसका शूज में से ये स्मोक बम उठा के उसको एक्सपोज किया। वो और एक वाले हमारा स्पीकर का चेयर करने आता था टेबल के ऊपर चढ़ के, तब हम उसको जाके आड़ा जाके उसको अटैक करने के जाने का टाइम वो शूज निकाल के उसके अंदर से एक स्मोक बम उठा के उसको स्मोक बम बना, बाद में उनको पकड़ के हम उधर सिक्योरिटी कौन पे उनको बुला के और मार्शल को सभी बुला के हम एक 6-7 मेंबर्स MP सब मिला के हम उनको हैंड वर्क के उसका पहले सबको भी वो जर्किन डाल के आया था उसका ने बम भाई क्या है कुछ है वो सभी हमको एक तरफ डरते है। अगर देश के बारे में आए तो हमारा त्याग बलिदान किया तो भी परवाह नहीं, ये सभी और क्या क्या हो रहा है ये सभी सामने होने का आगे होने का क्या मुश्किल है उसको रुक ना करके हम जाके उनको पकड़ के मैं मेरा साथ में अनुमान बाद में हमारा एक 3-4 MP सब भी पकड़ के उनको सिक्योरिटी हैंड वर्क किया। शुरू में तो काफी सिचुएशन स्केरी रही, शुरू में बहुत लोग केस स्केरी थे, सब लोग जरा लोग डोर खोल के बाहर चले गए, अब भाग गए, वो सभी चलता था, मगर हम ये देश के लिए, देश पहले, हम उसके इसके सेफ्टी के लिए, हमारा संसद उनका सेफ्टी के लिए हम उधर जाके उन मेले अटैक करके उसको पकड़ के हम एंड सिक्योरिटी एंड वर्क किया। कुछ वीडियो भी सामने आए उस जगह के, वीडियो अभी आई ना, सभी TV में वीडियो आ रहे, उसी में हम संसद लोग सभी आई, ये क्या चल रहा है ये सभी देखने के बाद, वो क्या बात किए ये सभी देखते रहिए, तो ये सभी देखते रहिए, तो ये इसको पीछे कौन कौन है, इसका पीछे कौन कौन, नरेंद्र मोदी जी का क्या पॉपुलरिटी है, उसको ब्लैक डॉट डालने के लिए कौन कौन इसको ट्राई कर रहा है, ये सभी इंक्वायरी करना। ये दो लोग हमारा कर्नाटक का सांसद प्रताप सिंह ने पास दिया, उनका कॉन्सेंसी वाले कर को पास दिया, मगर उनका कॉन्सेंसी वाले हो गए, उनको कौन कौन उनके टच में थे, वो नक्सल है क्या, उग्रवादी है क्या, क्या इसके बारे में आगे पीछे वो सभी
इंक्वायरी करने के बाद ये पता चलता है। छोटा सा ब्रीफ कन्नड़ में भी दे दीजिए। इधर लिया ना मैं, इनको दे डालता छोड़।